तो भाइयों आज हमारे पास टाटा हैरियर का फेसलिफ्ट वेरिएंट जो कि टाटा कंपनी ने पूरा अपडेट कर दिया है। इस वीडियो में जानेंगे कार के एक्सटीरियर लुक के बारे में, इंटीरियर फीचर्स के बारे में, क्या कंपनी ने कार के प्राइस रखे हैं, तो ओवरऑल कंप्लीट डिटेल रिव्यू करने वाले हैं। तो वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा, वीडियो काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव रहने वाली है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कार के प्राइस के बारे में। तो 15.49 लाख रुपीज एक्स शोरूम प्राइस पर इसके स्टार्टिंग प्राइस रहने वाले हैं। ऑफकोर्स इसका बेस मॉडल आएगा एंड इस कार का टॉप मॉडल जाता है 26.44 लाख रुपीज एक्स शोरूम प्राइस। एंड सामने जो मॉडल आप देख रहे हैं ये भी इसका टॉप मॉडल ही रहने वाला है, बट इससे भी ऊपर एक मॉडल आता है जो कि डार्क एडिशन के अंदर आता है, फियरलेस प्लस डार्क एडिशन। बट अभी जो आप मॉडल सामने देख रहे हैं ये भी टॉप मॉडल ही है, फियरलेस प्लस वेरिएंट, बट ये डुअल टोन वाला कलर है। तो इसमें बस थोड़े ही फीचर कम रहने वाले हैं, जैसे कि अलॉय व्हील का डिफरेंस रहने वाला है। डार्क एडिशन में आपको 19 इंचेस के अलॉय व्हील मिलते हैं, बट यहाँ पर आपको 18 इंचेस तक के अलॉय व्हील देखने को मिल जाएंगे एंड ब्लैक कलर का डिफरेंस रहने वाला है। एंड ऑफकोर्स ये मॉडल उससे काफी ज्यादा सस्ता रहने वाला है, 25.90 लाख रुपीज के समथिंग एक्स शोरूम प्राइस पड़ते हैं इस कार के। एंड इतने ही प्राइस में आपको फियरलेस प्लस डार्क एडिशन वाले ही सारे फीचर मिल जाते हैं, एडास से लेके 360 डिग्री कैमरा तक सभी फीचर इस कार के अंदर भी देखने को मिल जाते हैं। अब क्योंकि ये ऑटोमेटिक वाला वेरिएंट है तो इसके प्राइस जो है थोड़े ज्यादा रहने वाले हैं, मैनुअल वाला वेरिएंट इसका और ज्यादा सस्ता मिल जाएगा जिसके प्राइस है 24.50 लाख रुपीज एक्स शोरूम प्राइस। तो फियरलेस प्लस डीजल मैनुअल वाला वेरिएंट भी हमें जो है टॉप मॉडल में ही देखने को मिल जाता है, बट डार्क एडिशन वाले वेरिएंट से नॉर्मल डुअल टोन वाला वेरिएंट जो है 2 लाख रुपए सस्ता पड़ जाएगा, जो कि बिल्कुल आपके लिए एक वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट रहने वाला है। बाकी गाइस अभी मेनली बात कर लेता हूं कार के इंजन स्पेसिफिकेशंस के बारे में। तो इस कार के अंदर मिलता है 2 लीटर का टर्बोचार्ज डीजल इंजन जो कि पावर जनरेट करता है 168 bhp की एंड टॉर्क जनरेट करता है 350 Nm का। एंड इस कार का माइलेज कंपनी क्लेम करती है 14-15 kmpl का, बट ऑन रोड पर हाईवेज पर ये कार हमें 19-20 तक का माइलेज भी दे देती है, सभी की रोड कंडीशंस जो है डिपेंड करती है। बाकी कार हमें फ्रंट व्हील ड्राइव के ऑप्शन के साथ देखने को मिल जाती है, कोई भी 4x4 ऑप्शन इस कार के अंदर अभी भी अवेलेबल नहीं हुए हैं, बट इन फ्यूचर उम्मीद है कि शायद हो जाएं। एंड ये कार हमें 6-speed गियरबॉक्स के मैनुअल ट्रांसमिशन एंड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के ऑप्शन के साथ अवेलेबल देखने को मिल जाती है। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के अंदर हमें पैडल शिफ्टर के ऑप्शन भी अवेलेबल देखने को मिल जाते हैं। तो इंजन वाइज देखा जाए तो कार डिसेंट इनफ पावर जनरेट करती है एंड इंडियन रोड के हिसाब से कार काफी ज्यादा दमदार कार है। बाकी इसका मेन हाईलाइटेड पॉइंट है इसका कलर जो कि काफी ज्यादा सुंदर लग रहा है, और उससे भी ज्यादा बड़ा स्टांस जो है इस कार का निकल कर आता है जिसका नाम है सनलाइट येलो कलर। एंड येलो कलर में ये अलग ही निकल कर आती है, काफी सारी अलग अलग कंपनियों ने अपने येलो कलर इंट्रोड्यूस करे थे, बट ये कलर काफी ज्यादा डिफरेंट है तो येलो ही कलर, बट ये दिखने में काफी ज्यादा ऑसम लग रहा है। बाकी गाइस अभी मैं ये बात कर लेता हूँ कार के एक्सटीरियर लुक के बारे में। तो एक्सटीरियर से देखने में कार काफी ज्यादा दमदार लगती है। फ्रंट लुक के बारे में बात करेंगे तो फ्रंट के साथ सबसे बड़ा हाईलाइटेड पॉइंट है इस कार की कनेक्टेड हेडलैम्प, एंड ये काफी सारे फंक्शनिंग के साथ आती है, वेलकम फंक्शन के साथ। एंड ये ट्यूबलाइट की तरह नहीं लग रही, वरना में ट्यूबलाइट की तरह ली गई है, यहाँ पर स्लीक डिजाइन में दी गई है एकदम। एंड साइड वाले DRL जो है इंडिकेटर का भी काम करती है, DRLs का भी। एंड नीचे की साइड आपको मिल जाती है क्रोम ग्रिल जो कि दिखने में काफी ज्यादा ऑसम लग रही है। एंड टाटा के लोगों के नीचे मिल जाता है आपको कैमरा, फ्रंट पार्किंग कैमरा। बाकी नीचे की साइड आपको रेडिएटर ग्रिल मिल जाती है, यहाँ पर भी आपको क्रोम एलिमेंट का यूज होते हुए देखने को मिल जाता है। नीचे की साइड आपको स्किड प्लेट भी मिल जाती है ब्लैक कलर की। बाकी फ्रंट साइड 2 पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं फ्रंट के सामने। हेडलैम्प यूनिट की बात करूं तो कंप्लीट LED सेटअप रहने वाला है यहाँ पर, LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प विद कॉर्नरिंग फंक्शन के साथ। एंड LED में ही आपको फॉग लैम्प मिल जाते हैं एंड ये कंप्लीटली ऑटोमेटिक हेडलैम्प के फीचर के साथ ही रहने वाले हैं। बाकी बोनट का डिजाइन भी काफी बढ़िया तरीके से दिया गया है। तो फ्रंट लुक तो ओवरऑल कार के काफी ज्यादा बोल्ड डिजाइन वाले रहने वाले हैं, कट्स एंड क्रीज लाइन का भी बढ़िया तरीके से यूज किया गया है। एंड अभी बात कर लेते हैं कार के साइड लुक के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको ब्लैक कलर की मैट ब्लैक फिनिशिंग के साथ बड़ी बड़ी क्लैडिंग्स मिल जाती हैं एंड फ्रंट मड फ्लैप भी दिए गए हैं। बात कर लेते हैं कार के टायर के बारे में। तो यहाँ पर आपको R18 इंचेस के टायर मिल जाते हैं, ब्लैक कलर के चंकीएस्ट अलॉय व्हील मिल जाते हैं। एंड कार का सस्पेंशन सेटअप भी काफी बढ़िया ही रहने वाला है, हैरियर की बैजिंग मिल जाती है फ्रंट गेट पर। बाकी बात करूं ORVM की तो यहाँ पर आपको बड़ा सा ORVM मिल जाता है, इसी के ऊपर आपको इंडिकेटर की प्लेसिंग मिल जाती है एंड 360 डिग्री कैमरा की साइड कैमरा प्लेसिंग मिल जाती है। बाकी ये ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन की वार्निंग भी दिखाता है यहाँ पर। तो ओवरऑल साइड से देखने में कार कुछ टाइप की है एंड ऊपर की साइड डुअल टोन वाला कलर देख रहे हैं तो ब्लैक रूफ रहने वाली है। एंड ऊपर की साइड आपको जो है रूफ रेल्स भी मिल जाती हैं, पिलर्स कंप्लीटली ब्लैक्ड आउट हैं, शार्फिन एंटीना भी मिल जाता है पीछे की साइड। बात करो भी कार के रियर लुक के बारे में तो रियर से देखने में कार काफी ज्यादा स्टाइलिश लगने वाली है। एंड पीछे की साइड भी हमें जो है कंप्लीटली कनेक्टेड टेल लैंप मिल जाते हैं जो कि दिखने में काफी बढ़िया लग रहे हैं। एंड रिफ्लेक्टर्स जो है यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं, कंप्लीटली फंक्शनिंग में रहने वाले हैं। एंड ब्रेकिंग लाइट्स का सेटअप ऊपर की साइड ही रहने वाला है इनके अंदर ही। बाकी 2 पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं जो कि अच्छी तरीके से काम करते हैं दो होने के बावजूद भी। एंड रियर लुक को काफी ज्यादा एनहांसमेंट मिला है अब की बार। एंड पीछे की साइड
साइड हैरियर की पैजिंग मिल जाती है न्यूली डिजाइन में। और इस कार में हमें एक फीचर मिलता है जो कि इलेक्ट्रॉनिक टेलगेट का, एक बटन को दबाते ही ये पूरा अपने आप ही ओपन हो जाता है, कंप्लीटली इलेक्ट्रॉनिकली देखने को मिलता है। ये फीचर हमने फॉर्च्यूनर में देखा था और अब ये फीचर 25 लाख की हैरियर में भी आता है। बाकी बूट स्पेस में सबसे पहले यहाँ पर बड़ी सी पार्सल ट्रे मिल जाती है, अच्छा खासा बूट स्पेस मिल जाता है। पीछे की साइड आपको लैंप वगैरह प्रॉपर मिल जाते हैं, 2kg के हुक वगैरह दिए गए हैं। सब वूफर के साथ साथ यहाँ पर आपको अच्छा खासा स्पेस बन जाता है। स्पेयर व्हील की प्लेसिंग यहाँ पर नहीं है, नीचे की साइड आपको कंप्लीटली नीचे की साइड देखने को मिल जाती है SUV वाले स्टाइल में। एंड ये R16 इंचेस के अलॉय व्हील रहने वाले हैं, मतलब स्टील रिम ही रहने वाला है स्पेयर व्हील भी, जो कि कंपनी को और ज्यादा बड़ा दे देना चाहिए था। ये बिल्कुल नेक्सॉन वाला ही ठाकर दे दिया है, जो कि जब आपका टायर पंचर होगा आप स्पेयर व्हील पर गाड़ी चलाएंगे तो ये बहुत ज्यादा झुकी हुई गाड़ी हो जाएगी एंड बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। बाकी इसका बूट स्पेस तो बहुत ही सारा मिल जाता है। नंबर्स के बारे में बात करूं तो 445 लीटर का इसका बूट स्पेस रहने वाला है। बाकी इलेक्ट्रॉनिक ही इसका टेलगेट जो है बंद भी हो जाता है। बाकी और एडवांस एंड बेसिक फीचर तो इस कार के अंदर मिलते ही है। पीछे की साइड आपको वाइपर वॉशर एंड डिफॉगर मिल जाते हैं, यहाँ पर शेयर की फैमिली मिल जाती है, हाईमाउंट स्टॉप लैंप के साथ साथ ये स्पॉयलर भी मिल जाता है, स्पोर्टी अरसा ब्लैक कलर का स्पॉयलर मिल जाता है कम्प्लीटली। तो ओवरऑल रेयर से देखने में कार कुछ इस टाइप की रहने वाली है। बाकी गाइस अभी मेनली बात कर लेते हैं कार की इंटीरियर के बारे में। तो डोर के ऊपर हमें सॉफ्ट टचिंग मटेरियल यूज होते हैं देखने को मिल जाता है, बॉटल होल्डर वगैरह प्रॉपर दिए गए, पेडल लैंप का फीचर भी मिल जाता है। यहाँ पर स्पीकर की प्लेसिंग रहने वाली है, 10 स्पीकर रहने वाले हैं गाड़ी के अंदर ओवरऑल। बाकी यहाँ पर ये मेमोरी फंक्शन वाले बटन दिए गए हैं सीट के लिए एंड वेंटिलेटेड सीट के ऑप्शन भी मिल जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टेबल सीट आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं इन बटन के थ्रू, आप इसके ओपन डाउन एंड हाइट को भी एडजस्ट कर सकते हैं। बाकी अभी बात कर लेते हैं कार के अंदर बैठ के, तो अंदर से देखने में भी कार काफी ज्यादा प्रीमियम लगने वाली है। एंड यहाँ पर सबसे पहले इसका इंजन को स्टार्ट स्टॉप बटन दबाएंगे एंड इसके सभी फीचर को अभी एक्सेस आप कर सकते हैं इजीली। एंड कुछ टाइप का एनिमेशन आता है जब इसको ओपन करेंगे एंड पूरा ही कम्प्लीटली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर रहने वाला है ये। बाकी ओवरऑल इसका इंटीरियर एंड फिट एंड फिनिशिंग क्वालिटी एंड देखने में भी काफी ज्यादा प्रीमियम लगता है ये। एंड येलो कलर की थीम यहाँ पर भी फॉलो होते हुए देखने को मिल जाती है। डोर के ऊपर भी येलो एलिमेंट देखने को मिल जाता है एंड यहाँ पर आपको ऑल फोर पावर विंडो कंट्रोल्स मिल जाते हैं, चार ओवी कम्प्लीटली ऑटोमेटिक में रहने वाले हैं। ORVM को कंट्रोल करने के बटन यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं एंड डोर ओपनर भी ब्लैक क्रोम कलर की फिनिशिंग के साथ देखने को मिल जाता है। बाकी टाटा कंपनी का सबसे बढ़िया काम जो ये लगा, यहाँ पर आपको ये स्क्रीन टाइप की दे दी गई जिसके ऊपर आपको इल्यूमिनेटेड लोगो मिल जाता है ये। एंड थोड़े से क्वालिटी इशू थे यहाँ पर जो नेक्सॉन में देखे थे हमने एंड यहाँ पर जो है वो इम्प्रूव कर दिए हैं। बाकी इन बटन के थ्रू आप क्रूज कंट्रोल को सेट कर सकते हैं एंड MID को भी कंट्रोल कर सकते हैं यहाँ से। बाकी यहाँ पर आपको लेन कीप असिस्ट एंड एडास के फीचर भी यहीं से एक्सेस हो जाएंगे एंड क्रूज कंट्रोल को सेट करने के बटन भी आपको यहीं पर ही दिए गए हैं। बाकी मेनली बात कर लेता हूँ कार की चाबी के बारे में, तो कुछ टाइप की इसकी चाबी देखने को मिलती है, यहाँ पर आपको प्लेस कर देंगे इसके अंदर। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं, यहाँ से आपको इंजन पुश स्टार्ट स्टॉप बटन मिल जाता है यहाँ पर एंड ये येलो कलर की थीम फॉलो होते हुए देखने को मिल जाती है यहाँ तक एंड एम्बिएंट लाइट का सेटअप भी मिल जाता है इसी के अंदर ही। बाकी और कोई बटन वगैरह यहाँ पर फालतू के नहीं दिए गए हैं। बाकी ट्विटर्स की प्लेसिंग मिल जाती है, स्पीकर तो डोर पर है ही एंड बाकी ओवरऑल इंटीरियर इसके ऊपर काफी ज्यादा सूट करता है येलो कलर की थीम के साथ ही। स्टीयरिंग व्हील के बारे में बात करेंगे तो स्टीयरिंग व्हील इसका लेदर रैप्ड रहने वाला है, कंप्लीट फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील ही। एंड इधर की साइड जो आप कंट्रोल देख रहे हैं, यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल के बटन देखने को मिल जाते हैं, ये सिंगल जोन में ही रहने वाले हैं कंप्लीटली एंड ये कोई बटन प्रेस करने के ऊपर नहीं दबते हैं, ये कंप्लीटली टच पैनल ही यहाँ पर लगा दिया गया है। AC कंट्रोल एंड AC की वेंट वगैरह आपको यहीं पर ही देखने को मिल जाते हैं एंड इन कंट्रोल्स के थ्रू ये काफी ज्यादा बढ़िया लग रही है एंड स्लीक डिजाइन में दी गई है कंप्लीट। डैशबोर्ड लेआउट के ऊपर येलो एलिमेंट का यूज किया गया जैसे कि बाहर का कलर है एंड यहाँ पर आपको एम्बिएंट लाइट मिल जाती है एंड यहाँ पर सॉफ्ट टचिंग मटेरियल का स्टिचिंग देखने को मिल जाता है, ये हार्ड प्लास्टिक मटेरियल रहने वाला डैशबोर्ड पर एंड ये कंप्लीटली आपको सॉफ्ट टचिंग मटेरियल देखने को मिल जाता है, यहाँ तक फॉलो होते देखने को मिल जाता है सॉफ्ट टचिंग मटेरियल, काफी ज्यादा प्रीमियम लगने वाला है ये बाय द वे। एंड अभी मेनली बात कर लेता हूँ कार के इंफोटेनमेंट स्क्रीन के बारे में, तो ये कंप्लीटली आपको 12 इंचेस की फुल्ली टच स्क्रीन देखने को मिल जाती है जिसके अंदर आपको एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कार प्ले कंप्लीटली वायरलेस में ही देखने को मिल जाते हैं, काफी सारी सेटिंग्स एंड कनेक्टिविटी फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। एंड जैसे कि मैंने आपको बताया कार के अंदर हमें 10 स्पीकर के सेटअप देखने को मिल जाते हैं जिनकी साउंड क्वालिटी भी काफी बढ़िया देखने को मिल जाती है। बाकी यहाँ पर आपको मोड्स भी देखने को मिल जाते हैं, उन मोड्स के अंदर आप गाने वगैरह चला सकते हैं, JBL के मोड्स जो है वो इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं एंड उस गाने की बीट के अकॉर्डिंग इसकी जो है एम्बिएंट लाइट भी चेंज होती है। एंड ये 360 डिग्री बटन को प्रेस करते ही ये कैमरा ऑन हो जाता है इसका कम्प्लीटली एंड यहाँ से आप अपना 3D एंड 2D व्यू देख सकते हैं एंड कम्प्लीटली बर्ड आई व्यू जो आप कह सकते हैं वो भी यहाँ पर मिल जाता है। 3D को प्रेस करेंगे तो यहाँ से बर्ड आई व्यू कम्प्लीटली जो है मिल गया एंड ये कम्प्लीटली लैग फ्री रहने वाली है इस इंफोटेनमेंट स्क्रीन इतने सारे फीचर होने के बावजूद भी। यूजुअली क्या होता है जिसके अंदर फीचर होते हैं वो लैग ज़्यादा होती है एंड यहाँ पर फीचर भी हैं एंड ये लैग भी नहीं होती है एंड 360 डिग्री कैमरा की जो क्वालिटी है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रहने वाली
लगवा लिया है यहाँ पर, पूरी ही सराउंडिंग्स वगैरह बढ़िया तरीके से दिखा देता है एंड बर्ड आई व्यू भी यहाँ पर अच्छा खासा मिल जाता है, जो कि एक काफ़ी ज़्यादा बढ़िया ऑप्शन है इस कार के अंदर। ये जो साइड में बटन दिए गए हैं इनके थ्रू आप डिफरेंट व्यू देख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, तो जो कि काफ़ी बढ़िया इंफोटेनमेंट स्क्रीन जो है मेरे को अभी तक की ये लगी टाटा की तरफ से। बाकी बात कर लेता हूँ कार के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में, तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी यहाँ पर कम्प्लीट डिजिटल में ही रहने वाला है एंड ये साइड में दिए हुए बटन के थ्रू आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सभी टाइप की इन्फॉर्मेशन वगैरह शो हो जाती है, सभी टाइप की वार्निंग्स वगैरह, ट्रिप ए, ट्रिप बी एंड TPMS जैसे फीचर भी मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको एवरेज फ्यूल कंजप्शन वगैरह भी दिखा देगा एंड रेंज वगैरह भी प्रॉपर दिखा देगा। टैकोमीटर एंड स्पीडोमीटर भी कम्प्लीटली डिजिटल में ही रहने वाला है, एक बीचों बीच डिजिटल क्लॉक मिल जाती है एंड एडास का लेन कीप असिस्ट वाला फीचर भी इसी के अंदर से कंट्रोल हो जाएगा। तो ओवरऑल ये है कुछ इसका कंसोल मीटर ऐसी लगेगी अंदर से, और नीचे की साइड आपको मिल जाता है चार्जिंग सॉकेट एंड मीडिया कंट्रोल करने के सॉकेट मिल जाता है, यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हैं। फास्ट चार्जिंग में मिल जाता है कम्प्लीटली, वायरलेस चार्जिंग पैड भी मिल जाता है। बाकी साइड में जो येलो कलर के हैंडल्स टाइप के दिए हुए हैं ये काफी ज्यादा बढ़िया लगते हैं, लेदरेड स्टिचिंग के साथ दोनों ही साइड दिए गए हैं। यहाँ पर आपको ड्राइविंग मोड्स मिल जाते हैं, मल्टीपल ड्राइविंग मोड्स इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं, यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हैं रेन मोड, नॉर्मल मोड एंड हिली मोड। यहाँ से इस बटन के थ्रू आप इकोनॉमी मोड को ऑन कर सकते हैं, यहाँ से आप स्पोर्ट्स मोड को लगा सकते हैं एंड ये हिल डिसेंट कंट्रोल वाला बटन दिया गया है यहाँ पर एंड सभी एलिमेंट की यहाँ पर जो है प्लेसिंग बहुत ही अच्छी तरीके से दी गई है। अब इसके गियर लीवर को देखेंगे तो काफी ज्यादा बढ़िया प्रीमियम लगता है, रेंज रोवर से उठा के जो है इस गाड़ी के अंदर लगाया हुआ है। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में कुछ टाइप का देखने को मिलता है, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक मिल जाता है विद ऑटो होल्ड के फंक्शन के साथ ही रहने वाला है एंड यूट्रेन का फोल्डर्स मिल जाते हैं यहाँ पर। बाकी सेंट्रल कंसोल इसका काफी प्रीमियम है, आर्मरेस्ट मिल जाते हैं, इसके अंदर स्पेस मिल जाता है, 12 वोल्ट का पावर सॉकेट मिल जाता है एंड इसके अंदर आपको चार्जिंग सॉकेट भी मिल जाते हैं, टाइप सी एंड USB केबल के थ्रू आप इसे कनेक्ट कर सकते हैं। इसके ऊपर आपको सॉफ्ट टचिंग मटेरियल मिल जाता है कम्प्लीटली एंड सीट की कुशनिंग भी काफी बढ़िया है, जो कंफर्टेबल सीट्स मिल जाती हैं इस कार के अंदर। बाकी ऊपर की साइड के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर आपको LED में इंटीरियर लाइट्स मिल जाते हैं, ये इन बटन्स के थ्रू आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं एंड इधर ऊपर की साइड आपको सनरूफ के बटन देखने को मिल जाते हैं, इसको आप ओपन कर सकते हैं। काफ़ी बड़ी साइज़ की ये सनरूफ रहने वाली है एंड ब्लाइंड एंड सनरूफ जो एक साथ ही ओपन हो जाते हैं, ये ब्लाइंड कम्प्लीटली हार्ड मटेरियल का ही देखने को मिल जाता है। ग्रैंड विटारा की तरह इसके अंदर कपड़ा नहीं लगाया हुआ है, हार्ड मटेरियल है कम्प्लीटली। बाकी SOS वाला बटन मिल जाता है जो कि हमारे अभी किसी काम का नहीं है। फ्रंट सीट की साइड कोई मिरर वगैरह नहीं मिलता है इस कार के अंदर एंड पैसेंजर साइड भी यहाँ पर आपको जो है मिरर, यहाँ पर आपको मिरर जो है मिल जाता है विद टू लैंप, क्योंकि ड्राइवर साइड नहीं है। बाकी हैंडल्स यहाँ पर आपको मिल जाते हैं कम्प्लीटली, और मेनली भी बात कर लेता हूँ कार के IRVM के बारे में, तो IRVM यहाँ पर आपको कम्प्लीटली ऑटोमेटिक डिमिनिशिंग मोड के साथ ही देखने को मिल जाता है। और नीचे की साइड इसका ग्लव बॉक्स के बारे में बात करेंगे तो ग्लव बॉक्स के अंदर भी अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है, काफ़ी प्रीमियम ग्लव बॉक्स इसका रहने वाला है, लैंप मिल जाता है प्रॉपर एंड कूल्ड स्पेस में ये रहने वाला है। बाकी सीट्स के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर आपको लेदरेड सीट अपॉस्ट्रोफी देखने को मिल जाती है विद वेंटिलेटेड सीट के फंक्शन के साथ एंड इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टेबल्स के फंक्शन के साथ भी यहाँ पर देखने को मिल जाता है, इन बटन के थ्रू आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं। बाकी अगर अभी मेनली बात कर लेते हैं कार के रियर साइड के कंफर्ट के बारे में, तो पीछे की साइड का डोर काफी मोटा एंड प्रीमियम मिलता है। सबसे पहले यहाँ पर आपको सॉफ्ट टचिंग मटेरियल मिल जाता है पूरे में ही, यहाँ पर ये फोन होल्डर मिल जाता है एंड बॉटल होल्डर एंड स्पीकर की प्रॉपर प्लेसिंग मिल जाती है। यहाँ के हैंडल पर भी येलो एलिमेंट का यूज है एंड यहाँ पर आपको सन ब्लाइंड्स मिल जाते हैं, ये जो कि आपका चलान भी कटवा सकते हैं, तो इसको यूज करते हुए काफी केयरफुल रहना होगा। और अंदर की साइड की सीट भी काफी बढ़िया क्वालिटी की लेदरेड सीट अपॉस्ट्रोफी के साथ ही ये रहने वाली है। एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाती है विद यहाँ पर एक कुशनिंग काफी बढ़िया तरीके से दी गई है विद प्रॉपर आर्मरेस्ट के साथ साथ ट्विन कप होल्डर्स मिल जाते हैं इसी के अंदर ही। बाकी इसके अंदर बैठ के बात करेंगे तो नीचे की साइड आपको सबसे पहले दो चार्जिंग सॉकेट मिल जाते हैं टाइप सी एंड USB कनेक्टेबल के साथ। बाकी यहाँ पर एक छोटा सा स्पेस एंड AC वेंट की प्लेसिंग यहाँ पर देखने को मिल जाती है साइड पिलर्स पर दोनों ही साइड। बाकी बात करूँ कंफर्ट के बारे में तो अंडर थाई सपोर्ट यहाँ पर डिसेंट इनफ बच रहा है एंड हेडरूम भी यहाँ पर अच्छा खासा मिल रहा है। लैंप मिल जाते हैं दोनों ही साइड आपको LED में हैंडल्स के साथ 2 kg के हुक के साथ एंड यहाँ पर अपना सामान वगैरह टांग सकते हैं इजिली। बाकी पीछे की साइड जो है तीन से चार बंदे भी मेरे जैसे इजिली आ जाएंगे एंड बीच की साइड वाला हम्प भी जो है अच्छा खासा बच रहा है, 2 उंगली के बराबर जो है बच रहा है। बाकी पीछे बैठ के भी जो है रूमी वाली फील आ रही है एकदम, काफी ब्लैक एलिमेंट का यूज किया गया है। बाकी सीट पॉकेट वगैरह प्रॉपर मिल जाते हैं एंड कंफर्टेबल तो है सीट्स, क्योंकि यहाँ पर अंडर थाई सपोर्ट अच्छा मिल जाता है, हेडरूम अच्छा खासा मिल जाता है। तो भाइयों अगर आप भी कोई कार देख रहे हैं 25-26 लाख के बजट में, तो ये कार आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकती है, क्योंकि इस कार के अंदर हमें सभी टाइप के डिसेंट फीचर मिल जाते हैं एंड मिल जाते हैं बढ़िया से लुक। 25-26 लाख के बजट में ये कार आपके लिए वैल्यू फॉर मनी वेरियंट रहने वाली है, बिल्कुल आप इस कार को रेंज रोवर भी कह सकते हैं, क्योंकि इस कार के लुक
लुक जो है रेंज रोवर से भी कम नहीं है एंड काफी ज्यादा फ्यूचरिस्टिक डिजाइन रहने वाला है। अभी गाइस आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि नई वाली टाटा हैरियर जो है आपको कैसी लगी। बाकी अगर आप इस कार को लेने के बारे में सोच रहे हैं या फिर आपका कोई फ्रेंड इस कार को लेने के बारे में सोच रहा है तो इस वीडियो को अपने उस दोस्त के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो उसके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल हो सकती है। बाकी गाइस ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं लाता रहता हूं, तो मेक श्योर आप चैनल से कनेक्टेड रहेगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। तो मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।